वॉट इज इमरजेंसी आई वॉश स्टेशन तो आज हम बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी आई वॉश स्टेशन क्या होता है और इसका यूज़ हम कब और कैसे करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं तो इमरजेंसी आई वॉश स्टेशन एक बहुत ही क्रूशियल सेफ्टी डिवाइस है जिसको डिज़ाइन किया गया है इन जैसी इमरजेंसीज के लिए जैसे आँखों के हार्मफुल केमिकल या अदर हार्मफुल कंटेमिनेंट्स के कांटेक्ट में आने पर हम अपनी आँखों को आई वॉश स्टेशन में जाकर अच्छे से फ्लश आउट करते हैं अच्छे से धुलते हैं तो इमरजेंसी आई वॉश स्टेशन का यूज़ करके वर्कर्स पोटेंशियल हार्मफुल कंपाउंड को अपनी आँखों से रिमूव कर सकते हैं और ख़ुद को इंजरीज होने से सेफ रख सकते हैं और इन प्लेसेस पर इमरजेंसी आई वॉश स्टेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैसे लेबोरेटरीज में फैक्ट्रीज़ में और उन वर्क प्लेसेस पर जहाँ केमिकल का यूज़ किया जा रहा हो या फिर केमिकल प्रोड्यूस किया जा रहा हो तो चलिए इमरजेंसी आई वॉश स्टेशन के कुछ इसेंशियल फ़ीचर्स और एलिमेंट्स को समझते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ फ्लूड तो इमरजेंसीज के दौरान आई वॉश स्टेशन हमारी दोनों आँखों को लगातार और कंट्रोल्ड फ्लो में प्रिस्क्राइब्ड फ्लूड डिलीवर करता है और यह फ्लूड वाटर भी हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक आई वॉश सोल्यूशन भी हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टेशन के टाइप्स और उस एरिया के पोटेंशियल पॉल्यूशन पर सेकेंड पॉइंट है एक्टिवेशन तो आई वॉश स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है हैंड फ्री ऑपरेशन के लिए जब वो एक्टिवेट हो जाए तो ऐसे में हमें यह भी इंश्योर हो जाता है कि यूज़र को आई वॉश करने के लिए किसी बटन या लीवर को होल्ड या फिर पुश करने की जरूरत नहीं होती है थर्ड पॉइंट है ड्यूरेशन तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के सेफ्टी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आई वॉश स्टेशन होंगे वो एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट्स तक लगातार फ्लशिंग फ्लूड डिलीवर करने में एबल होना चाहिए फोर्थ पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आई वॉश हमारे वर्किंग एरिया से मैक्सिमम 55 फीट की डिस्टेंस पर हो ताकि इमरजेंसीज के दौरान 10 से 15 सेकंड में वहां पहुंच सके और स्टेशन तक जाने वाले रास्ते को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए फिफ्थ पॉइंट है मेंटेनेंस तो इसके लिए हमें आई वॉश स्टेशन का रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो और साथ ही साथ हमें चेक करना है कि फ्लूड का फ्लो सही हो और फ्लुइड के रिजर्वायर में कोई भी सेडिमेंट ना बना हो और साथ ही साथ हमें ये भी वेरीफाई करना है कि आई वॉश स्टेशन प्रॉपरली एंड करेक्टली एक्टिवेट हो सिक्स पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन तो आई वॉश स्टेशन क्लियरली मार्क होना चाहिए ताकि हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें और इसके लिए हम साइन फीचर्स और आई सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आई वॉश स्टेशन और उसके आसपास पास एंड इनफ लाइटिंग होनी चाहिए ताकि हम आई वॉश स्टेशन लो लाइटिंग कंडीशन में भी अच्छे से विजिबल हो तो सेवन्थ पॉइंट है ट्रेनिंग तो हमें अपने वर्कर्स को इनफ एंड एडुकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उन्हें इस बात की अवेयरनेस हो उन्हें ये मालूम हो कि आई वॉश स्टेशन किस लोकेशन पर बना हुआ है आई वॉश स्टेशन को कैसे यूज़ करना है और फिर यूज़ के बाद मेडिकल अटेंशन लेने का क्या इम्पोर्टेंस होता है ये सारी बातें हमें वर्कर्स को ज़रूर बतानी चाहिए तो आई वॉश स्टेशन एक इसेंशियल पार्ट होता है कॉम्प्रोहेंसिव वर्कप्लेस सेफ्टी प्लान का खासकर उन वर्किंग इन्वायरमेंट में जहां पर केमिकल एक्सपोजर का रिस्क होता है आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर